सो स्टूडेंट, आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डेड टू रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसके कुछ पार्ट्स पहले से आपको बतला दिए गए हैं, उसके बाकी के जो पार्ट है उसके आगे से ये आपके पॉइंट्स हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं ये क्या है। उससे पहले आप इनको बहुत ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये आपके नीट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं वाइनरी फिशन। तो वाइनरी फिशन क्या है? वाइनरी फिशन मीन द डिवाइडेशन ऑफ ए पेरेंटल बॉडी इन इट्स इक्वल टू डॉटर सेल्स। मतलब किसी भी पेरेंटल सेल का दो बराबर डॉटर सेल्स में बटना, ये बाइनरी फिशन कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अमीबा के अंदर आपकी ये देखिए, ये आपका अमीबा है। अमीबा में इसका साइटोप्लाज्म है और ये इसका ये न्यूक्लियस है। तो यहां पर जब बाइनरी फिशन होता है अमीबा के अंदर, तब क्या होता है, जो पेरेंटल बॉडी है, जो अमीबा है, वो दो पार्ट्स में बटना शुरू हो जाती है और आखिरकार वो दो डॉटर सेल्स में बट जाती है और यहाँ पर हमको पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल्स मिल जाती हैं। तो ये आपका बाइनरी फिशन कहलाया। तो ये आपका नंबर वन अमीबा में बाइनरी फिशन हुआ। अब उसके बाद देख लेते हैं आपका युगलिना में आपका बाइनरी फिशन क्या है। तो युगलिना में भी बाइनरी फिशन होता है। इसमें यह है, जब युगलिना का फिशन होता है या फिर ये डिवाइड होता है, तो ये यहां से ये लॉन्गिट्यूडनल यहां से डिवाइड हो जाता। सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो जाता, उसके बाद इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हो जाता है और ये अलग अलग दोनों पार्ट इसके एक एक न्यू डॉटर सेल्स बना लेते हैं और ये दोनों युगलिना बन जाते हैं। तो ये आपका अमीबा में बाइनरी फिशन हुआ और ये आपका युगलिना में बाइनरी फिशन हुआ। अब इसके बाद करते हैं पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में भी आपको बाइनरी फिशन देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं, ये सपोज कीजिए आपका पैरामीशियम है। तो पैरामीशियम के अंदर जो आपका बाइनरी फिशन होता है, उसके अंदर ट्रांसवर्स यहां से बाइनरी फिशन होता है। इसका एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे। सबसे पहले इसका जो है न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, फिर ये अलग अलग दोनों अलग अलग एक बॉडी बना लेते हैं और ये जो है आपके दो पैरामीशियम बन जाते हैं। ये आपके कंप्लीट दो पैरामीशियम बन जाते हैं। तो ये आपका पैरामीशियम के अंदर भी आपका वाइनरी फिशन हुआ। इसके अलावा अगर बात करते हैं अमीबा में इमोर्शल क्या है, इमोर्शल शब्द का मीनिंग क्या, तो देखिए अभी पीछे पढ़ा, जब कोई भी पेरेंटल बॉडी सिंगल बॉडी होती है, अब वो आगे चलकर डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स में बराबर डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गई, तो अब पेरेंटल बॉडी की कोई नेचुरल डेथ तो हुई नहीं, इसकी कोई मौत तो हुई नहीं, ये खत्म तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये तो बराबर डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गए, इसलिए इसको हम अमीबा को इमोर्शल कहते हैं। मतलब इसकी कोई भी नेचुरल डेथ नहीं है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें इसमें, व्हाट इज ए कैरोकाइनेसिस। तो अब कैरोकाइनेसिस क्या है, तो देखिए कैरोकाइनेसिस मींस द डिवाइडेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म और एनी बॉडी। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस डिवाइड होना आपका कैरोकाइनेसिस कहलाएगा। मतलब जैसे आपको अभी यहां पर दिखलाया कि जैसे ही अमीबा है, तो अमीबा के अंदर सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो उसको क्या कहलाते हैं, कैरोकाइनेसिस कहलाते हैं। इसके बाद करते हैं यहां पर साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस क्या है, तो देख लेते हैं, सेम यही प्रोसेस। अभी सबसे पहले जैसा अमीबा में जिस प्रकार आपका ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, तो उसको कैरोकाइनेसिस कहते हैं। लेकिन न्यूक्लियस के बाद जो आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। मतलब कैरोकाइनेसिस मीन डिवाइडेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस मीन डिवाइडेशन ऑफ आपका ये साइटोप्लाज्म। सो क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रीजेनरेशन। तो रीजेनरेशन क्या है, रीजेनरेशन मतलब दोबारा से बनना। इसमें देखिए प्लेनेरिया किसके अंदर देखने के लिए मिलता है, ये प्लेनेरिया के अंदर हमको रीजेनरेशन देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जांपल जिस प्रकार मान लीजिए, फॉर एग्जांपल आपका ये प्लेनेरिया है और इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इसको अलग अलग काट देते हैं, इसके टुकड़े कर देते हैं, तो इसके जो तीनों पार्ट है, ये वाला पार्ट ये फुल प्लेनेरिया बना लेगा आपका, और ये जो आपका पार्ट है ये भी फुल प्लेन एरिया बना लेगा, और ये जो पार्ट है आपका ये भी फुल प्लेन एरिया बना लेगा। तो ये आपका फ्रेगमेंटेशन रीजेनरेशन किसमें देखने के लिए मिलता है, ये आपका प्लेन एरिया में मिलता है। मतलब कोई भी बॉडी है वो अपने आपको दोबारा से रीजेनरेट कर लेती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक क्वेश्चन है आपका, ये आपके लिए
नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो सकता है। तो देखिए हु रिपोर्टेड फर्स्ट रीजनरेशन हाइड्रा, अभी रीजनरेशन की बात चल रही है ना, इसलिए क्वेश्चन यहां पर आ गया। सो हाइड्रा के अंदर रीजनरेशन की रिपोर्ट सबसे पहले किसने दी थी, हाइड्रा के अंदर रीजनरेशन होता है, ये रिपोर्ट किसने दी थी, तो इसके देख लेते हैं। ये है ट्रेम्बले, ट्रेम्बले ने 1740 में 1740 के अंदर सबसे पहले रिपोर्ट दी थी कि हाइड्रा के अंदर रीजनरेशन होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपका रिपीरेटिव रीजनरेशन क्या होता है, मतलब दोबारा से किसी चीज का बनना, ये भी सेम रीजनरेशन तो है लेकिन किसी का चीज का बनना। लेकिन इसमें एक चीज देखने के लिए मिलेगी आपको, इसमें बहुत माइनर लेवल पर रीजनरेशन होता, मतलब बिगर लेवल पर नहीं होता, जिस प्रकार आपको प्लेनेरियम में फुल बॉडी बना ली उसने, लेकिन इसमें आपका जो रिपीरेटिव रीजनरेशन होता है इसमें बहुत माइनर पॉइंट पर रीजनरेशन होता है। जैसे आप देख लीजिए किसी भी मनुष्य के कोई घाव लगा, कोई चोट लगी और कुछ समय बाद वो चोट ठीक हो जाती है, कोई कट लगता है कुछ समय बाद वो कट बंद हो जाता है और घाव भर जाता है। तो जो बहुत छोटे लेवल पर घाव भरते हैं रीजनरेट होता है उसको हम रिक्रिएटिव रीजनरेशन कहता है, जैसे मनुष्य के अंदर जानवर के अंदर ये देखने को अक्सर मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं रिस्टोरेटिव रीजनरेशन क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें ये है आपका रिस्टोरेटिव रीजनरेशन, तो आपका ये हाइड्रा और प्लेनेरिया के अंदर देखने के लिए मिलता है। जैसे अभी बताया यही सेम प्रोसेस हाइड्रा के अंदर भी आपका और प्लेनेरिया के, मतलब जो भी अगर आपका पार्ट है वो डैमेज हो गया है तो वहां से वो पार्ट दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। तो ये आपका हुआ रिस्टोरेटिव रीजनरेशन। इसके बाद लास्ट पॉइंट है फ्रेगमेंटेशन, कि फ्रेगमेंटेशन क्या है, तो फ्रेगमेंटेशन देखिए हम देख लेते हैं क्या है। तो ये जो आपको एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेगा फ्रेगमेंटेशन, ये आपको प्लेनेरिया के अंदर मिलेगा। कहां मिलेगा, प्लेनेरिया। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है अभी आपको यहां पर ये सेम एग्जाम्पल बताया, कोई भी बॉडी है आपकी और उसका टुकड़ों में टूटना ये फ्रेगमेंटेशन कहलाता है, और किसमें देखने के लिए मिलता है आपको, प्लेनेरिया में। बाद में वो वही जितने भी पार्ट है अलग से पूरी बॉडी बना लेते हैं तो उसको अलग वो रीजनरेशन हो गया, और ये आपका टुकड़ों में टूटना ये आपका फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़ों में टूटना, वो एग्जाम्पल आपको मिलता है प्लेनेरिया के अंदर। सो स्टूडेंट ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो आज के लिए थे, और आप इनको बहुत ध्यान से पढ़ लें क्योंकि ये नीट के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं। क्योंकि मेरी कोशिश यही रही है आपको कि जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको ही लेकर चलूं, क्योंकि सिलेबस तो बहुत सारा है, बहुत ज्यादा है, तो अगर उसको डीपली लेकर चले एक एक लेकर चले तो वीडियो तो लगभग 20-25 पार्ट्स में बनेगी, बहुत लंबा लेवल हो जाएगा। तो इसलिए सोचा है कि इसको जो मेन पॉइंट है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में भी क्लियर हो जाएंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारे नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफी, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर।